आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम साल की सबसे पहली वीडियो बनाते हैं कलर ऑफ द ईयर पे। सो पेंटोन ने फाइनली कलर ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया है और इस वीडियो में हम आपके साथ उससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आपको बताएंगे। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई ऑल्सो होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ ऐसे फैब्रिक्स को शेयर किया है जो 2021 में इन ट्रेंड रहेंगे। सो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो अब आप सबसे पहले ये सोचोगे पेंटोन क्या है, कौन है, क्यों हम इसकी बात सुने, क्यों इसका जो बताई हुई बातें हैं वो फॉलो करने योग्य हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कौन बेसिकली पेंटोन। सो पेंटोन को अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ग्लोबली पूरी दुनिया में जो कलर्स का यूज होता है डिजाइनिंग की किसी भी फील्ड में, चाहे इंटीरियर डिजाइन हो, फैशन हो, ग्राफिक्स हो, ए टू जी जितने भी टाइप की डिजाइनिंग होती है, सब डिजाइनर्स पेंटोन के कलर्स को ही रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रेड का शेड चाहिए, स्पेसिफिक शेड चाहिए आपको, लेकिन इंडिया में नहीं चाहिए, आपको ये कनाडा में चाहिए, तो आप वहां पे एक डिजाइनर के पास जाते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर रेड का फैब्रिक शेड चाहिए। सो वहां पे कौन सा रेड का शेड है, कैसा शेड है, वेरिएशन हो सकता है, आपकी चॉइस से अलग हो सकता है, बिकॉज एक कोडिंग की जरूरत है, हमें एक कोड होना चाहिए हर कलर का, हर शेड का, सो दैट आप ग्लोबली कहीं पे भी हो, कुछ भी बनवा रहे हो डिजाइन से रिलेटेड, आप वो पर्टिकुलर शेड अचीव कर सके। अब आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, बट मे बी अगर आपके ब्रांड का लोगो है तो उसका कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक शेड ऊपर नीचे आपके लोगो को चेंज कर सकता है। सो पेंटोन की एक ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ कलर्स है जिसमें हर कलर को एक कोड दिया गया है, हर शेड को एक कोड दिया गया है, वो कोड आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके शेयर करेंगे किसी भी डिजाइनर के साथ तो वो आपको एग्जैक्ट शेड देगा जो आपको चाहिए। सो आप समझ सकते हो पेंटोन एक ऐसी कंपनी है जिसका शेड कार्ड कॉमन है पूरी दुनिया में। सो ये लोग कलर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं एंड बहुत डिजाइनर्स, ऑल द डिजाइनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हीं की प्रेडिक्शंस पे रिलाय करते हैं, इन्हीं की कलर्स पे रिलाय करते हैं, इनकी कलर्स को लेकर समझ को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है डिजाइनिंग फील्ड में। सो ये लोग हर साल एक कलर ऑफ द ईयर निकालते हैं और वो यूं ही नहीं निकाला जाता, वो डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो ज्यादा देखने में आ रहे हैं, जो चीज आपको रेगुलर बेसिस पे ज्यादा दिख रही है, इवेंचुअली उसका एक पीक टाइम आता है। तो ये साल 2020 में या लास्ट ईयर जो कलर्स कम दिख रहे थे, अब धीरे 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 उन्होंने उसमें एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखा है कि धीरे धीरे लोग इनको ज्यादा पहन रहे हैं, इंटीरियर्स में यूज कर रहे हैं, फर्नीचर में यूज कर रहे हैं, फैशन ही नहीं डिजाइनिंग की हर फील्ड में यूज कर रहे हैं। तो इवेंचुअली इन कलर्स का पीक टाइम आएगा और वो पीक टाइम 2021 है। सो इस तरीके से ये कलर्स की प्रेडिक्शन करते हैं। इस साल यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये कलर ऑफ द ईयर एक ही निकालते हैं, लेकिन इस साल इन्होंने दो कलर ऑफ द ईयर निकाले हैं, एक ग्रे का शेड है और एक येलो का शेड है। हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल कलर्स हैं। इंडियन वार्डरोब में चाहे कोई भी जेंडर का वार्डरोब हो, कोई भी एज ग्रुप का वार्डरोब हो, आपको ग्रे और येलो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दिस इज नॉट समथिंग जो हमारे लिए न्यू है या आप ऐसा सोचेंगे कि ये इंटरनेशनली प्रेडिक्ट हुआ, इंडिया में नहीं दिखेगा, डेफिनेटली इंडिया में ये रहेगा। हमारे ट्रेडिशनल वीव्स में, ट्रेडिशनल फैब्रिक्स में, डाइंग में, एम्ब्रॉयडरीज में भी ये कलर्स बहुत कॉमन है। ग्रे तो ऑफिस वेयर, एक परफेक्ट ऑफिस वेयर है ही, सो यू कांट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ दीज टू कलर। इनफैक्ट अगर अब आप लोगों की चॉइस देखें इंटीरियर्स को लेके या फिर उनके पर्सनल घर का जो कलर हो उसको लेकर, ग्रे बहुत इजिली हर चीज में आप स्पॉट कर पाएंगे इस टाइम। सो यस, डेफिनेटली ये दो कलर्स हैं डिजाइनिंग के हर एरिया में, प्रेजेंस ऑलरेडी थी इनकी एंड इस साल आपको काफी देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं फैशन की तरफ। अगर आप येलो और ग्रे को सेपरेटली पहनना चाहते हैं देन ऑल्सो बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं दोनों, बट आप ट्राई कर सकते हैं दोनों को कंबाइन करना, बिकॉज इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना सिर्फ ये यूनिक है बल्कि बहुत स्टैंड आउट भी करेगा। अब अगर हम कलर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो येलो एक बहुत ही चेयरफुल कलर है और आप इसे होप के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो पिछला साल हमारा गया है 2020 बिकॉज ऑफ कोविड, उसके बाद ये हमारी मेंटल नीड्स को ज्यादा दर्शाता है। वी आर लुकिंग फॉर होप, वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, वापस से उस लाइफ की तलाश में हर कोई, नोइंगली और अननोइंगली हम चाहते हैं साइकोलॉजिकली उसी लेवल को वापस से अचीव करना। ग्रे एक ऐसा कलर है जो डिपेंडेबिलिटी को दर्शाता है,
या आप क्लासिक भी कह सकते हैं उसे. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हम पोस्ट कोविड ना सही, ये जो एक ग्रेट ह्यूमन पॉज आया 2020 में, उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर यू नो एवरीथिंग एंड एवरीवेयर वी आर लुकिंग फॉर डिपेंडेबिलिटी. अपने करियर में हमें इस चीज की जरूरत है, घर में हमें इसकी जरूरत है, बेसिकली फाइनेंसिस को लेके है, हेल्थ को लेके है, एंड ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबली यही दो चीजें हैं जो लोग चाह रहे हैं साइकोलॉजिकली अपनी लाइफ में, इन दो चीजों की प्रेजेंस को चाहते हैं. सो कलर साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये दो परफेक्ट कलर्स हैं जो 2021 को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं. अब अगर आप खुद कलर प्रेडिक्शंस को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. पिछले 2 सालों में आपने मस्टर्ड के पीछे इतना क्रेज देखा होगा, मस्टर्ड येलोज, टाइप्स ऑफ मस्टर्ड कलर्स बहुत है मार्केट में, इवन लहंगाज में, टॉप्स में, स्वेटर्स में, शूज में, हर जगह मस्टर्ड था. तो वो क्रेज है जो येलो को लेके, वही अब आगे जाके इस येलो शेड में लेके कंटिन्यू होगा. सो आप वो ऑब्जर्व करते हैं, इन लोगों की टीम्स यही करती हैं, ये ऑब्जर्व करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनके कल्चर्स में. सो ये बहुत ऑब्वियस था कि जो येलो है वो ईयर 2021 में कलर ऑफ द ईयर में ना सही बट फेवरेट कलर्स की रेंज में जरूर आएगा. सो ऐसे लोग जो फैशन को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आपके लिए इन एग्जैक्ट शेड के कोड्स हमने स्क्रीन पे दे दिए हैं. आप अपने आउटफिट्स को, फैब्रिक्स को इन शेड्स में डाई करवा के यू नो अपने आउटफिट्स को स्टाइलाइज कर सकते हैं. बट आपके पास एक और ऑप्शन है, जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट शेड्स के साथ जाएं, इन कलर्स को आप जनरली भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो एंड आपको पसंद आए होंगे जो कि कलर्स हैं ईयर 2021 के, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू सी कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है इन कलर्स को लेके. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर.